हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शंटी गेमिंग। आज का जो टॉपिक है हाउ टू यूज़ AKM, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं पबजी मोबाइल में मिलने वाली गन AKM के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं आपको। दोस्तों, AKM से लोग दूर ही रहते हैं क्योंकि इसका रिकॉइल और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी स्टडी के बाद इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाला है और मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों वीडियो पूरी देखना। और वो जो सारी चीज़ें मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट और इतना टाइम खेलने के बाद मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये आपकी पबजी मोबाइल की जो गेम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें हम कवर कर रहे हैं द स्टेट्स एंड रिकॉइल, सेकेंडली द बेस्ट अटैचमेंट्स, थर्ड द AKM बर्स्ट टेक्निक, और चौथा व्हेन एंड हाउ टू यूज़, कब और कैसे इसको इस्तेमाल करें AKM को। तो सबसे पहले हम इसके स्टेट्स को देख लेते हैं। जो इसकी हिट डैमेज है वो है 49, जो इसकी बुलेट वेलोसिटी है वो 715 मीटर पर सेकंड, और जिसका मैक्सिमम डैमेज पर सेकंड आप उसको रीच कर सकते हो वो है 490। हिट डैमेज इसका जो 49 है वो किसी भी 5.56 असोल्ट राइफल से 10% ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी बुलेट वेलोसिटी है 715 मीटर पर सेकंड वो किसी भी 5.56 AR से 200 मीटर पर सेकंड लोअर है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों बुलेट वेलोसिटी से? बुलेट वेलोसिटी अगर किसी गन की ज़्यादा है तो आप मूविंग टारगेट्स को इजीली हिट कर पाओगे, लेकिन इसकी बुलेट वेलोसिटी कम है तो आप व्हीकल्स को, मूविंग व्हीकल्स को इजीली हिट नहीं कर पाओगे, या आपको वहाँ काम नहीं देने वाली दोस्तों। तो अवॉइड करना कि AKM को आप मूविंग टारगेट्स के ऊपर यूज़ मत करो, उसकी जगह आप 5.56 असोल्ट राइफल यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, रिकॉइल एक इसका मेन मुद्दा रहा है कि रिकॉइल सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है AKM का वो है रिकॉइल। तो रिकॉइल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एक रिकॉइल है कंपनसेटर लगाकर और एक है बिना कंपनसेटर लगाकर। दोनों चीज़ें आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। जो कंपनसेटर लगा के रिकॉइल है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कम है, लेकिन जो बिना कंपनसेटर का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गोलियाँ बिखरी हुई हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट अटैचमेंट जो आपको बता देता हूँ मैं, कंपनसेटर इस गन के ऊपर मस्ट हैव है। और आप देख पाओगे एक इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ, इसकी जो फर्स्ट 5 बुलेट्स हैं ना वो एक पर्टिकुलर मैनर में हिट करती हैं, और यही है इसका द 1+4 रूल। अब आप देखोगे मैं आपको इसकी 5-5 गोलियाँ चला के दिखा रहा हूँ, जिसकी 5 गोलियाँ हैं वो वर्टिकल तो रिकॉइल दे रही हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल रिकॉइल उनका बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। आप देखो इसकी फर्स्ट 5 बुलेट्स कैसे बिहेव कर रही हैं। एक गोली पड़ती है, फिर स्पेस आता है, फिर 4 गोलियाँ पड़ती हैं, वो सिर्फ वर्टिकली रिकॉइल दे रही हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली वो बिल्कुल नहीं हिल रही, और हिल रही है तो बिल्कुल नए के बराबर है। इसको ईजीली कंट्रोल किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज में इसको कंट्रोल करो और ये बहुत डैमेज देता है, ठीक है। 5 गोलियाँ मारो, बंदा ख़त्म है, लेवल 2 फुल आर्मर ख़त्म हो जाता है, और ये डिस्टेंस पे भी काम करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर बंदा बहुत दूर है या बंदा बहुत नज़दीक है, दोनों केसेस में AKM को कैसे यूज़ करना है देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो इसकी बुलेट वेलोसिटी है वो बहुत कम है, इसलिए अपना लॉन्ग रेंज टारगेट्स को इसके साथ हिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको लॉन्ग रेंज मारना है तो आप किसी 5.56 AR का यूज़ करो, या किसी DMR का यूज़ करो, या फिर स्नाइपिंग राइफल्स का यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन AKM आपको वहाँ काम नहीं देगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो बेस्ट अटैचमेंट्स हैं वो क्या हैं। इसका जो सबसे पहला मैंने बेस्ट अटैचमेंट दिखाया है जो एक्सटेंडेड मैग है, वो किसी भी असोल्ट राइफल के लिए ज़रूरी रहता है। सेकेंडली कंपनसेटर, आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, बिना कंपनसेटर इस गन को यूज़ नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा रिकॉइल देगी और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहेगा। और जो थर्ड है वो है रेड डॉट। सभी लोग ये मानते हैं पबजी मोबाइल में आज के दिन कि AKM बेस्ट गन है आयरन साइट के लिए। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि आयरन साइट के लिए बेस्ट गन है, लेकिन आयरन साइट कई बार धोखा दे जाती है, क्योंकि जो एक बार कई बार टारगेट मिड रेंज पे होता है और टारगेट एकदम लेट जाता है, प्रोन हो जाता है, तब बड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि आयरन साइट हमारी उसको ढक लेती है। इसीलिए मैं आपको रेड डॉट को प्रेफर करूँगा कि आप रेड डॉट यूज़ कीजिए, जिससे आपकी विजिबिलिटी बनी रहे टारगेट के ऊपर और आप उसको ईजिली हिट कर पाओ, ठीक है दोस्तों। फिर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एनिमी फिर लॉन्ग रेंज पे है और हम सिंगल टैप के साथ इसको यूज़ करना है, तो सिंगल टैप के साथ भी आप दोस्तों इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो बुलेट वेलोसिटी है फिर वो आपकी बुलेट ड्रॉप कर देगा और एनिमी को हिट नहीं कर पाओगे। तो उसकी जगह भी आप
किसी 5.56 एयर को यूज़ करो, वो आपको बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी वेपन क्या रहना चाहिए AKM के साथ में। सेकेंडरी वेपन आप किसी भी DMR को ले सकते हो साथ में, या फिर M416 बेस्ट रहेगी इसके साथ यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों को ईजिली हिट कर पाती है दोस्तों। और दोस्तों AKM जहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा डैमेज देती है वो है शुरुआती गेम में। शुरुआती गेम में आपको नॉन आर्मर्स मिलते हैं तो उनको ये दो दो तीन तीन बुलेट में ख़त्म करती जाती है, ऐसे बिल्कुल वाइप कर देती है दोस्तों। AKM की जो बुलेट डैमेज है 49, वो किसी भी लेवल 3 फुल आर्मर को ओनली 5 बुलेट्स में डाउन कर देती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको जो भी लगता है इस वीडियो के बारे में, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। दोस्तों आप मेरे को बताइए कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन सी गन के ऊपर बनाऊं। एंड मैं दोस्तों नया हूं यूट्यूब पे और आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोज़ हर एक गन के ऊपर, पबजी मोबाइल में जो भी है उसके ऊपर लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं सबका रिप्लाई करूँगा, सब कमेंट्स पढ़ूँगा दोस्तों, और अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं उसको लेके आऊँगा।